हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए एक ये रैग्नल स्वेटर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये भी सेम वही नाप है जो नाप मैंने अभी तक आपको बताया 70 फंदों का, और ये सेम लंबाई का। इस डिजाइन की वजह से ये थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन जब ये यूज होगा तो सेम उसी नाप पे फिर से आ जाएगा। सेम वही नाप है स्लीव के लिए भी और फ्रंट एंड बैक के लिए भी, और ये है रैग्नल। रैग्नल घटाई मैंने की है, तो ये मैंने एक नॉर्मल बेस आपके लिए बताया है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं एक स्वेटर का नाप लेके आपको जितने तरह के स्वेटर उसमें बनाए जा सकते हैं वो पैटर्न बता रही हूँ, तो उसमें ये रैग्नल है। क्योंकि मुझे अभी आपको कॉलर गला भी बताना है, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये जो रैग्नल पैटर्न है ये भी बहुत इजी है, और जो अभी तक मैंने आपको बताया है ये उससे भी इजी है बनाना। बस आपको जरा सा ध्यान रखना है इन फंदों का और घटाने का, तो वो मैं पूरा आपको इस स्वेटर में बताऊंगी। ये नेक देखिए, इस तरह से मैंने इसको राउंड नेक ही बनाया है। आप चाहें तो इसी फंदे को और अच्छा खासा लंबा बिन के इसको सेम हाई नेक कर सकती हैं इसी पैटर्न पे। तो ये नेक मैंने आपको बताया है, इसको आप कैसे बनाएंगी और ये किस तरह से बनेगा। देखिए दोनों साइड ये सेम पैटर्न है, कहीं कोई फ्रंट बैक आपको नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि फ्रंट और बैक में कोई कंफ्यूजन है तो आप फ्रंट के लिए कोई भी एक छोटा पैटर्न या आप कुछ भी यहाँ पे बना के अलग से लगा सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये बैक पार्ट मैंने बना लिया है, सेम वही नाप है। ये डिजाइन मैंने आपको बताया हुआ है अपने पिछले वीडियो में। तो अब मैं इसको जो रैग्नल घटाई कर रही हूं वो मैं आपको दिखा देती हूं कि मैंने कैसे बनाया है। तो अब ये देखिए, ये भी टोटल यहां से ये जो हमने उल्टा बीना था इसके बाद से मैंने ये भी टोटल 50 सिलाई बना लिया है। 50 सिलाई बनाने के बाद अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे तीन तीन फंदे घटाए हैं। तो अब देखिए, ये जो पार्ट है ये इस तरह से, ये इतना। तो ये डिजाइन की वजह से थोड़ी सी इसकी लंबाई कम हुई है, लेकिन ये जब यूज होगा तो अपने लंबाई पे आ जाएगा। और चौड़ाई देखिए इसकी अच्छी खासी है। मैंने कई बार बताया है कि आप सेम इसी फंदे को 60 सिलाई बना के 1.5 से 2 साल तक के बच्चे का बना सकती हैं, और अगर अभी आप इस समय ये स्वेटर बना रही हैं तो नेक्स्ट जाड़े तक बच्चे की लंबाई थोड़ी सी और बढ़ जाती है, तो आप 70 सिलाई तक ये लेंथ बना सकती हैं। तो ये मैंने 50 सिलाई बनाया है, और जैसे हम 3 2 1 घटाते हैं उसी तरह से सबसे पहले हम इसमें 3 फंदा घटाएंगे। तो अब देखिए, ये जो मेरी डिजाइन है यहां से मैंने स्टार्ट किया था उल्टा ये बिनने के बाद, ये डिजाइन इतनी मैंने आपको बताई हुई है। तो ये देखिए, 1 2 3 4 डिजाइन के बाद ये 50वीं सलाई के लिए ये जो उल्टा हमने बिना, उधर से एक उल्टा आया है और उसके बाद 2 सलाई मैंने सीधा उल्टा बिन लिया है। देखिए तो ये इस तरह से, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं 3 फंदा घटाऊंगी सीधी तरफ से। ठीक है, देखिए इस तरह से नॉर्मल जैसे हम फंदे घटाते हैं, 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे मैंने घटा लिए और बाकी सारे फंदे हम सीधे बिन लेंगे। पूरी सिलाई इसी तरह से सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 फंदा घटाने के बाद ये सिलाई हमारी इस तरह से सीधे बिनते हुए कंप्लीट हो गई ऐसे। और अब उल्टे तरफ से भी हम 3 फंदा घटा देंगे। जैसे नॉर्मली 3 2 1 फंदे हम घटाते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी ये 3 फंदा मैं घटा दूंगी। तो ये 1 ये 2 और ये 3, ये 3 फंदे घट गए और अब पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए, ये भी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो अब और ये देखिए, यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि स्वेटर के बीच में कोई भी नॉट ना आए। तो मेरा ऊन देखिए यहाँ पे ये खत्म होने वाला था, ये इतना बचा हुआ है सिलाई
कंप्लीट होने के लिए। और ये पूरा फंदा मेरा इससे ये पूरी सिलाई का कंप्लीट नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे किनारे पे ही दूसरा ऊन जोड़ के ऊपर बिनाई शुरू कर दिया है। और अगर आपका फंदा मान लीजिए ये बिनते हुए आपको ये लगे कि हाँ नॉट आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है या यहाँ लास्ट में खत्म होगा, तो आप बिन सकती हैं। मेरा बिल्कुल सेंटर में आ रहा था, थोड़ी दूर पे आ रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया है और मैंने यहाँ से दूसरा ऊन लगा लिया है, उससे मैंने ऊपर की बिनाई स्टार्ट कर दी है। और इस ऊन से मैं बाकी अपने ये स्वेटर की सिलाई कर लूंगी, या बाद में आप कट करके सिलाई करते समय इसको हटा सकती हैं, क्योंकि बीच में नॉट आने से स्वेटर का जो फंदा है वहां पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। आप कोशिश करिए कि आपका जो ये स्वेटर है बिनते समय बीच में नॉट ना आए, अगर आ भी रहा है किनारे आए, और नहीं तो अगर आपको डाउट होता है कि आपकी सिलाई इतने ऊन में कंप्लीट नहीं होगी जितना भी आपका बचा है, तो आप उसमें वहां पे दूसरा ऊन जोड़ दीजिए, किनारे से ही आप दूसरा ऊन जोड़ दीजिए। तो मैंने दूसरा ऊन जोड़ दिया है और अब मैं इससे सिलाई कर लूंगी। जहां पे भी ये आता है, ये अभी बॉडी पार्ट है, ऊपर अगर भी आता है तो भी मैं इसमें दूसरा ऊन जोड़ देती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे अब अगली सिलाई में हम एक फंदा सिर्फ घटाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने तीन फंदा घटाया और अब एक फंदा यहाँ पे घटाने के बाद अब यहाँ हमारा ये जो है उल्टा उल्टा आ जाएगा, क्योंकि बीच की ये चार सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, डिजाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस तरह से अब मैं दो सिलाई उल्टा उल्टा बीनूंगी और दोनों तरफ से अब हम एक एक फंदा घटाएंगे जब तक कि हमारे इस स्वेटर के ऊपर के स्लीव की लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो ये देखिए, ये यहां से हमने एक घटा दिया और अब उल्टे तरफ से भी एक फंदा हम घटाएंगे। ये देखिए, और उल्टा जब हम इधर से बिनते हैं तो लास्ट वाला फंदा हम इस तरह से सीधा बिन देंगे और इधर से भी एक फंदा घटा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दो का एक, दो फंदा मैंने एक संग लिया है, एक और दो, इसको हम घटा लेंगे और फिर इसको भी हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। तो अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने तीन तीन फंदे घटाए और फिर दोनों तरफ से मैंने एक एक फंदे घटा दिए हैं, और अब इसी तरह से हर सीधी और उल्टी सिलाई में एक एक फंदा घटाते हुए हम इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे। और अब एक एक फंदा जो हम घटाएंगे वो हम घटाएंगे दोनों तरफ से 18-18 फंदे, ये तीन तीन फंदों के बाद। तो अब ये देखिए, ये जो हमारा तीन फंदा घटने के बाद ये जो मेरी डिजाइन है 1, 2, 3 आई है और उसके ऊपर ये उल्टी वाली दो सिलाई। तो यहाँ पे अब लास्ट में मेरा ये जो फंदा बचा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28, ये 28 फंदे मेरे ऊपर बचे हैं। 70 फंदे टोटल मेरे इस स्वेटर में है, जो मैं पैटर्न लेके चल रही हूँ। सेम पैटर्न मैंने आपको सेम फंदे में और वही सेम नाप बताया है और ये मैंने रैगनल घटाई की है। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको एक ही पैटर्न में सारी चीजें बता दूंगी एक नाप में, जिससे कि आपको हर एक तरह के स्वेटर बनाने में कोई परेशानी न आए। तो ये देखिए, ये रैगनल घटाई मैंने की है, अब इतना ही लंबाई मैं इसका भी कर दूंगी। स्टार्टिंग में तीन तीन फंदे घट चुके हैं और अब एक एक फंदे घटाते हुए 1, 2, 3, ये तीन डिजाइन बनने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ के बाद तीन के बाद मैंने 18 फंदे इधर से और 18 फंदे इधर से घटाए हैं, यानी टोटल 36 सिलाई मैंने बनाई है। तो अब इतना इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम स्लीव बनाएंगे। ये देखिए, ये दोनों तैयार हो गया है, एक मैंने पहले से बना के रखा था, दूसरा तैयार हो गया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने घटाया था ये जस्ट देखिए, ये दोनों जो उल्टी उल्टी सिलाई हमने बीनी थी उसके जस्ट बाद मैंने आपको यहां से बताया था, लेकिन ये दो सिलाई ज्यादा हो गया था। यहां से जब हम बिनना स्टार्ट करेंगे, जो हमने एक सीधे तरफ से उल्टा और उल्टे तरफ से उल्टा बिनने के बाद जो सिलाई कंप्लीट किया है, उसके जस्ट बाद जो हम चार सिलाई सीधा बिनते हैं, तो उस चार सिलाई से हमने इसको बिनना घटाना स्टार्ट किया है। तो ये देखिए, जस्ट उल्टे के बाद से, तो अब ये ऊपर जाके यहाँ पे ये दो सिलाई हमारा कंप्लीट हुआ है, ये
उल्टा बिनने के बाद दो सिलाई मैंने सीधा और उल्टा बना लिया है, तो इस तरह से मेरा इसमें 28 फंदा बचा है दोनों में। तो ये देखिए ये दोनों चीज मेरा तैयार हो गया है। तो अब इसके बाद हम स्लीव बना लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट सेम है, कहीं कोई फंदा कम नहीं, कहीं कोई घटाई कम नहीं। नॉर्मली जब हम बैग गला घटाते हैं तो बैक का हम ऊपर से बिन के तब थोड़ा सा गला घटाते हैं, और फ्रंट का हम यहाँ बाजू घटाने के बाद छह सिलाई बिनने के बाद ये गला घटा देते हैं। तो ये जो रैगनल घटाई है ये बिल्कुल एक बराबर होती है चारों तरफ। तो ये बैक और फ्रंट मैंने तैयार कर लिया है, और अब इसको हम कर देंगे एक तरफ। और अब देखिए ये स्लीव, ये जो स्लीव है ये देखिए मैंने इसको भी ये इतना एक स्लीव मैंने बना लिया है। सेम पैटर्न है जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया है, ये 40 फंदे से मैंने बॉर्डर बनाया है। इसके बाद उल्टे तरफ से ही जहां मैंने इसको बिनना स्टार्ट किया है लास्ट 16वीं सिलाई में, तो मैंने इसको जो उल्टा उल्टा बिना उसी के संग मैंने यहाँ फंदा बढ़ा लिया था, चार फंदा मैंने बढ़ाया है। और इसके बाद हर 6वीं सिलाई में तो मेरा इसमें जो ये फंदा बढ़ा है, देखिये जब हमने ये उल्टा बिनना स्टार्ट किया तब तब मेरा ये फंदा बढ़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नहीं बढ़ाया था, उल्टे तरफ से मैंने बढ़ा लिया, तो ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, चार सिलाई ये सादा। तो अब जब मेरा ये जहां जहां ये उल्टा बना है वहां वहां मैंने इसमें फंदे बढ़ाए हैं। तो इस तरह से टोटल फंदे मैंने बढ़ाते हुए 64 फंदे कर लिए हैं। और स्लीव मैंने लंबी बनाई है, जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि मैं बॉडी से स्लीव थोड़ा लंबा बनाती हूँ। तो इस जगह पे आप इसको देखिए, तो ये देखिए ये जो है ये यही चीज आना चाहिए इसके लिए भी, जैसे मैंने उल्टे के बाद इसको घटाया वही सेम चीज मैंने इसमें भी किया है। लेकिन ये देखिए ये एक डिजाइन मेरी ये ज्यादा बनी है। अब बॉर्डर के बाद से आपको दिखाएं तो ये देखिए इस तरह से करने के बाद ये जहां मुझे यहाँ पे घटाना चाहिए था तो वो मैंने ये डिजाइन कंप्लीट की है प्लस ये डिजाइन कंप्लीट की है। तो इस वाले से टोटल मेरी जो ये है 12 सिलाई लगभग ये लेके टोटल ये ज्यादा है ये वाली स्लीव डिजाइन के हिसाब से। जैसा मैंने आपसे कहा था कि डिजाइन जब हम डालते हैं प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेन में हमें 10 सिलाई ज्यादा बनाना है हम 10 सिलाई ज्यादा बना लेते हैं। डिजाइन जब हम डालते हैं और यहाँ पे स्लीव और बॉडी का पार्ट अच्छे से फिनिश के संग आए, इसके लिए हम 2-4 सिलाई कम या ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं, बहुत कम मत करिए, 2 सिलाई तक कम हो सकती है। लेकिन यहां मैंने देखिए 12 सिलाई बिना, यानी कि मैंने 2 सिलाई ज्यादा रखा है। तो ये जो मेरी डिजाइन है देखिए इस तरह से बॉर्डर के बाद ये देखिए एक ये यहाँ पे ये कंप्लीट हुई, 1 2 3 4 इसमें 1 2 3 4 ये है, और ये 1 5 5 के बाद मैंने बाजू की घटाई की है और सेम पैटर्न में की है। ऊपर ये एकदम बराबर है और ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरह से अब हम इसको भी घटा लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये 1 2 3 4 5 डिजाइन बना लिया है। टोटल 64 फंदे इस समय मेरे इस स्लीव पे हैं। 70 फंदे का हमारा अगर ये बाजू फ्रंट एंड बैक है तो बाजू में 64 फंदे तक काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा चाहिए तो आप थोड़े से यहाँ पे स्टार्टिंग में फंदे और बढ़ा सकती हैं, लेकिन बच्चे के लिए इतना चौड़ा स्लीव काफी होता है। तो मैं इसी पैटर्न पे बढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे लास्ट मेरा एक फंदा बढ़ा है, तो इसको लेते हुए मेरा टोटल 64 फंदा हो चुका है मेरे स्लीव के लिए। तो अब इसको भी हम सेम पैटर्न में ही घटाएंगे। सबसे पहले 3 फंदा घटा लेंगे इस तरीके से, 1 2 और ये 3। इसके बाद हम पूरी अपनी ये जो बिनाई है कर लेंगे। जैसे जैसे मैंने इसमें घटाया है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में सेम वही चीज है, 3-3 फंदे दोनों तरफ से घटाने के बाद फिर दोनों तरफ से 1-1 फंदा बिनते बिनते ये 18 फंदे हम घटा लेंगे और इतना ही कर लेंगे। अब इसमें देखिए जो मेरे फंदे हैं यह है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। फ्रंट और बैक में मेरे 28 फंदे हैं, स्लीव में मेरे 22 फंदे हैं। तो इतना घटाने के बाद फिर हम इसका गला बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है, रेगुलर स्लीव घटाना और बॉडी में और गला बनाना। तो मैं इसमें भी गोल गला बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टी शर्ट नेक का कॉलर वाला गला बनाऊंगी, लेकिन मैंने इसमें डबल बॉर्डर ये वाला बॉर्डर बना लिया था डिजाइन बताने के लिए, तो मैंने इसी को कंटिन्यू किया और मैं आपको ये रैगनल घटाई बता रही हूँ। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि आपको कॉलर वाला गला बता दूं। तो ये देखिए इसी तरीके से इसको घटाते हुए ये वाली स्लीव भी हम कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक
एक दो तीन डिजाइन हमारी कंप्लीट होगी घटने के बाद और ऊपर ये दो सिलाई प्लस 22 फंदे। तो इतना करने के बाद फिर हम इसका गला बनाएंगे। तो पहले मैं ये इतना बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसका गला कैसे बनाएंगे। और बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैंने अभी तक बताया था, ये देखिए बस इसको सीधा बिन लीजिए, उल्टे तरफ से तीन फंदा और घटा लेंगे। तो स्टार्ट मैंने तीन तीन फंदे से किया क्योंकि एक बेस मिलना चाहिए सिलाई के लिए। तो ये देखिए तीन तीन फंदे, बड़े का अगर आप बना रही हैं तो आप पांच पांच फंदे भी घटा सकती हैं, ये छोटे बच्चे का, तो मैंने यहाँ पे तीन तीन फंदे घटा लिए हैं। तो इसको घटाने के बाद अब हम इसको बिनना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए सीधी तरफ से तीन फंदा, उल्टी तरफ से तीन फंदा, इसके बाद हम सिर्फ एक एक फंदा घटाएंगे जब तक कि ये हमारी लाइनिंग ये डिजाइन की कंप्लीट ना हो जाए। टोटल मैंने 18 फंदे दोनों तरफ से घटाए हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं नॉर्मली सिलाइयों में नॉर्मली फंदा जब मैं घटाती थी तो 3, 2, 1 के बाद फिर मैं ये 16 केबल यानी कि 32 सिलाई बिनती थी। अब मेरे ये जो एक बार तीन फंदे घटने के बाद जो दो और एक फंदे बचे थे उसको मैंने काउंट कर लिया है और प्लस 16 बार मैंने ये घटाया है, तो टोटल मेरे जो है 36 रो बनेंगे। तो जो चार सिलाई नीचे बच रही थी वो मैंने इसको घटाने में काउंट कर लिया है। ये लंबाई उतनी ही है अगर आप सीधे स्वेटर से इसको नापेंगे तो, इसीलिए मैंने इसमें ये एक बार घटाने के बाद टोटल 18 फंदे इधर से और 18 फंदे इधर से घटाए हैं, यानी 18 और ये 3, टोटल 21 फंदे हमारे दोनों तरफ से घटे हैं। तीन तीन फंदे स्टार्टिंग में, एक एक फंदे हर बार हर सिलाई में, तो 22 फंदे रहने तक इसको भी मैं घटा लूंगी। तो ये बिल्कुल सीधा उल्टा जैसे हम डिजाइन डालते जा रहे हैं उसी तरह से डालेंगे। अब घटाते समय आपको ये ध्यान देना है, बढ़ाते समय भी और घटाते समय भी, ये डिजाइन सेम कैसे आए। तो इसमें देखिए सेम आएगा क्योंकि जब हम अगली डिजाइन शुरू कर रहे हैं तो ये हमारे दो फंदे बढ़ जा रहे हैं, तो अगर आप सीधे से स्टार्ट करिए तो उल्टा ही आएगा। और घटाते समय अगली बार आप ऊपर वाले फंदे से ऐसे नीचे ध्यान दे लीजिए तो आपका सेम पैटर्न का डिजाइन बन जाएगा। मैं इतना थोड़ा सा बिन के आपको दिखा भी देती हूँ। फ्रंट और बैक में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट और बैक में जब हम गला ये घटा रहे हैं फंदा, क्योंकि इसमें इक्वल ये जो फंदे हैं 70 फंदे हैं, तो ये घटाने के बाद जब हम एक फंदा घटा रहे हैं तो इसके बाद जस्ट हमारा उल्टा फंदा आ जा रहा है, और उल्टे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सेट हो जा रहा है। लेकिन इसमें हमारा जब हम ये एक फंदा यहाँ से घटाएंगे ऊपर की तरफ, तो ऊपर घटाने के बाद अगला फंदा भी हमें सीधा ही बिनना पड़ेगा। तो मैं ये थोड़ा सा बिन के आपको फिर डिजाइन सेट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए डिजाइन के बाद जो दो सिलाई उस दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनती है वो मैंने बना लिया है, ये जो प्लेन था यहाँ से घटाने के बाद। तो देखिए बिल्कुल जस्ट मैंने यहाँ से घटाया और इसी तरह से चारों तरफ जो चारों पल्ले वही घटेंगे। तो स्लीव में और फ्रंट और बैक मैंने उसमें दो सिलाई एक्स्ट्रा बिन दिया था तो वो मैंने फिर से ठीक कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल जैसे ये उल्टा खत्म हुआ उल्टे सिलाई से, बस सीधी तरफ से मैंने ये घटाना शुरू कर दिया। अब ये जो हमें डिजाइन डालनी है तो यहाँ पे हमें एक फंदा घटाना है, तो वो एक फंदा पहले मैं इस तरह से सीधा बिन के घटा दूंगी और इसको आप थोड़ा टाइट ही रखिएगा क्योंकि फिर इसको हमें सिलना है। और अब देखिए ये वाला जो फंदा है यहाँ से आप इस तरह से देख लीजिए, तो ये देखिए इसके नीचे ये उल्टा आ रहा है और इसके पहले हमने यहाँ सीधा स्टार्ट किया था। तो सेम यही चीज हमको करना है कि ये घटाने के बाद ये तो सीधा ही है तो अगला फंदा भी हम इस तरह से सीधा बिनेंगे फिर उल्टा, और इसके बाद हर बार हमारा इसी तरह से आएगा। तो इसको इस तरह से बिनने के बाद फिर उल्टे तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये सीधी सिलाई हमने बिन ली है, सेम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा हमको उल्टे तरफ से बिनना है। तो इस तरह से जब हम ये पहला फंदा घटा लेंगे तो हर बार जब डिजाइन आएगी हमारी तो पहले फंदे के बाद दूसरा फंदा हमको सीधा बिनना है स्लीव में, और फ्रंट और बैक में हमको दूसरा फंदा उल्टा ही बिनना है क्योंकि ये फिर उल्टा ही आ रहा है। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम गला बनाएंगे। तो ये पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा। ये देखिए ये भी बनके तैयार हो गया। अब ये वाला जो स्वेटर है ये जो पैटर्न है ये बहुत ही इजी पैटर्न है, इसमें आपको कहीं कोई फंदा गले के लिए नहीं उठाना है। और ये जो फंदे मेरे बचे हैं सारे, ये टोटल फंदे जो लेके मेरे पास सिलाई पे सारे अगर हम इकट्ठा करें तो टोटल 100 फंदे होंगे, जो मेरे हिसाब से काफी है। और मैं इसमें बिल्कुल कोई फंदे कम नहीं करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे फंदे बराबर हैं और एक बराबर मेरे ये दो उल्टा दो सीधा का बॉर्डर जो है वो उस पर एडजस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये दो स्लीव और ये दो
फ्रंट और बैक के पार्ट। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले देखिए ये हमारा हो गया, ये हो गया एक पार्ट, फ्रंट मान लीजिए, बैक मान लीजिए, ये एक हम कर देंगे स्लीव का पार्ट ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, फिर एक ये फ्रंट या बैक आप जो मानिए, क्योंकि इसमें सारे पार्ट जो हैं एक जैसे बने हैं, और फिर हम रख देंगे ये दूसरा स्लीव, ये इस तरह से। तो ये अब ये जो है सारे ये गले के फंदे हमारे इस तरह से आएंगे। तो अब हम एक तरफ से बिनना स्टार्ट करेंगे, कोई भी एक पार्ट आप ले लीजिए। तो मेरे एक देखिए ये स्लीव में भी ऊन लगा है और एक ये पल्ले में भी ऊन लगा हुआ है, तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकती हैं। तो मैं पल्ले से ही स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा है, ये मैंने जो घटाया था, ये हमारे फ्रंट मान लीजिए, बैक मान लीजिए, मैं इसको यहाँ से अब जो गले वाली सिलाई है ये ऐसी 10 नंबर की सिलाई में इसको लगाऊंगी। नीचे मैंने 9 नंबर से ही स्टार्ट किया है, पूरा स्वेटर 9 नंबर से बनाया है, लेकिन गले के लिए थोड़ा सा अच्छा टाइट फंदा चाहिए होता है तो मैं अब ये 10 नंबर से, आपके पास अगर सर्कुलर नीडल है आप उससे बना सकती हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे पहला फंदा मैं ऐसे उतार ले रही हूँ, और अब यहाँ से हम ये दो सीधा और दो उल्टा जो हमने बॉर्डर बनाया है नीचे, अगर मैं एक सीधा एक उल्टा बनाई होती तो मैं ऊपर भी वही रखती, लेकिन मैं दो सीधा दो उल्टा का बॉर्डर बनाया है, तो अब मैं इस तरीके से इसको बिन लूंगी। तो ये जो पार्ट है देखिए इस तरह से पूरा जो 28 फंदे हैं इसको मैं इस तरह से बिन लूंगी। ऊन लगा हुआ है फंदे ये जो है, मैं अब 10 नंबर की सिलाई से बिन रही हूं। तो ये देखिए लास्ट मेरा ये आ गया दो उल्टा, मैंने दो सीधा दो उल्टा का बॉर्डर बिना। अब ऊन हम कर देंगे पीछे और अब हम इसमें ये स्लीव वाला ये पार्ट उठा के बिनना स्टार्ट करेंगे। ये ऊन जो देखिए मैंने कट किया, इतना कट करिए जिससे कि आप यहां से लेके यहां तक ये जो बाजू की घटाई हमने की है इसकी सिलाई हो सके आराम से, और अलग से हमको ऊन न लगाना पड़े। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम बाजू का पार्ट जोड़ेंगे, तो ये ऊन इसको ऐसे आप टाइट ही रखिएगा, बाद में सिलाई करते समय आप इसको और टाइट कर दीजिएगा क्योंकि ये लूज हो ही जाता है। तो ये दो सीधा और अब दो उल्टा इससे मैं बिनूंगी। तो ये देखिए इसको यहाँ पे हम टाइट कर देंगे और इस तरह से, इसको अच्छे से बिन लेंगे। इसमें हल्का हल्का रेशा होता है जो ये फंस जाता है कभी कभी। तो अब देखिए इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहे तो 5 सिलाइयां यूज करिए, लेकिन मैं ये 4 सिलाई से ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अब थोड़े फंदे जो बचे हैं वो अब मैं यहाँ से दूसरी सिलाई से स्टार्ट करूंगी। तो ये देखिए दो सीधा और फिर अब ये दो उल्टा, दो सीधा दो उल्टा और अब ये दो सीधा, यहाँ लास्ट में दो सीधा हुआ है। तो अब मैं ऊन आगे करके अब नेक्स्ट मेरा जो ये है बॉडी का पार्ट वो लूंगी। देखिए एक बॉडी पार्ट, एक स्लीव, एक बॉडी पार्ट, और अब इसको मैं यहाँ पे देखिए दो उल्टा बीनूंगी यहाँ से ऐसे आराम से। ये फंदे आप टाइट ही बीनिए और ऊन जो है इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे। फिर ये चार सिलाइयां जो हैं उससे तीन सिलाइयों पे हम अपने फंदे एडजस्ट करेंगे जो ये गले के सारे फंदे आएंगे, और चौथी सिलाई से हम बिनाई करेंगे। तो ये देखिए ये दूसरा सिलाई जो है, अब यहाँ पे मैं सिलाई फिर दूसरी लगा लूंगी। अब यहां से ये देखिए ये दो उल्टा और लास्ट मेरा हो गया दो सीधा।
सिलाई हम अच्छे से इस तरह से पॉइंट कर देंगे, नहीं तो फिर ये फंदे निकलने पड़ते। अब ये लास्ट हो गया हमारा ये अगला स्लीव, तो इसको भी हम इसी के संग एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए अब हम बीनेंगे दो उल्टा, क्योंकि सीधे पे फिनिश हुआ तो अब हम यहाँ बीनेंगे दो उल्टा और इसको भी यहाँ पे हम इस तरह से खींच देंगे, जिससे कि जो ये किनारे के फंदे हैं वो थोड़े से टाइट हो जाएं, बाकी टाइट हम सिलाई करते समय इसको कर लेंगे। तो ये देखिए दो उल्टा, मैं पूरा इसीलिए आपको बीन के दिखा दे रही हूँ जिससे आपको ये लग जाए कि नहीं इसको कैसे एडजस्ट करना। मेरे ये फंदे बराबर थे, आपको अगर लगता है कि लास्ट में आपके एक जैसे फंदे नहीं आएंगे, जब हमारी सिलाई स्टार्ट होगी तो सीधे थे और लास्ट में हमारे दो उल्टे आने चाहिए, तो आप अपने फंदे दो दो करके काउंट कर लीजिए या दो सीधा दो उल्टा काउंट करते हुए। तो ये देखिए अब मेरा ये जो लास्ट है ये यहाँ पे आ गया दो उल्टा और मैंने जो स्टार्ट किया था। अब ये सारी सिलाइयां जिससे मैंने ये बॉडी पार्ट बीने थे उसको मैं हटा दूंगी। अब ये देखिए मैंने सारे ये तीन सिलाई पे सारे फंदे एडजस्ट कर दिए हैं, दोनों स्लीव और दोनों बॉडी पार्ट का। यहाँ पे है अब हमारा सीधा, यहाँ से हमने बिनना स्टार्ट किया, बाकी जगहों पे ऊन है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ्रंट और बैक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या हमने कहाँ से बिनना स्टार्ट किया है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें पिन लगा सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये सारा हो गया, तो अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी एक पिन। ये देखिए ये जो स्टार्टिंग है यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये देखिए ऐसे, और अब हम चौथी सिलाई लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से करके आप ऐसे यहाँ से बिनना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी लेकिन यहाँ मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ये राउंड सिलाई, अगर आपके पास राउंड है तो आप राउंड से बनाइए। और इस तरह से यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिएगा पहला फंदा, नहीं तो ये लूज हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए हम ये एक सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। आठ सिलाई मैं और बीनूंगी, यानी टोटल नौ सिलाई। और दसवीं सिलाई में जैसे मैंने अभी तक आपको बताया है सारा बॉर्डर, उसी तरह से दसवीं सिलाई में मैं इसको बंद कर दूंगी। तो ये हम 10 सिलाई का बॉर्डर, टोटल 9 सिलाई और 10वीं सिलाई में इसको बंद करेंगे तो टोटल 10 सिलाई। तो इसको इस तरह से बिन के फंदे उतार लूंगी मैं, जैसे कि मैंने उसमें उतारा है हर स्वेटर में, जैसे दिखाया है सीधा को सीधा बिनते हुए और उल्टा को उल्टा बिनते हुए। तो ये जब बॉर्डर कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर इसकी हम सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने आपको दिखा दिया कि इसका फंदा कैसे हम लेंगे। मैंने इसमें कोई फंदा प्लस माइनस नहीं किया है, जितना बॉडी और स्लीव को घटाने के बाद फंदा बचा है सेम फंदे से मैं ऊपर का बॉर्डर बना रही हूँ। तो अब ये बॉर्डर मैं तैयार कर लेती हूँ। देखिये अब ये आ गया दूसरा स्लीव, तो ये इसी तरह से हम इसको बिनते हुए अपना ये बॉर्डर कम्प्लीट करके बंद कर देंगे और इसके बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए ये गला बन गया है और मैंने इसको बंद कर दिया है। ये वाला मैंने आपको दिखाया ही था कि ये इस तरह से जब हम घटाते हैं तो इसकी फिनिशिंग कैसे करते हैं, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो ये ऊन मैंने लंबा सा कट कर लिया था क्योंकि इसी से मुझे एक तरफ के बाजू की सिलाई भी करनी है, क्योंकि तीन तरफ ऊन है और एक तरफ मैंने सेम उसी ऊन से बिनना शुरू कर दिया था। तो अब देखिए ये जो हमने बंद किया, अगर इसको इस तरह से छोड़ दे तो यहाँ पे ये फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो जो ये पहला फंदा हमने घटाया है इस तरीके से, देखिए ये जो घटाया है इसके बीच में से ऐसे हम सुई निकालेंगे इसको और ये खींच लेंगे ऐसे, देखिए इस तरह से। फिर इसके ये जो हमने घटाया है इसके नीचे से एक, ये देखिए ये जो हमने घटाया था ठीक इसके नीचे से ऐसे इसको, तो ये देखिए अच्छे से ये फंदा कवर हो गया। यहाँ पे कहीं से आपको नहीं लगेगा कि यहाँ से हमारा जोड़ शुरू हुआ, ये नॉट है थोड़ा सा। अब यहाँ से फिर हम एक बार इसको नीचे ऐसे कर देंगे तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा, देखिए। और अब पीछे की तरफ करके आप एक नॉट यहाँ पे फंसाने के लिए लगा दीजिए ताकि ये जो ऊन है ये हमारा लूज ना पड़ती है। देखिए इस तरह से मैंने निकाला, मेरा ये ऊन बीच में ऐसे नॉट बन गया। और अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से पिरोते हुए नीचे ले जाऊंगी
और इसी से फिर मैं नीचे की सिलाई कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे अब मैं फंसा ले रही हूँ ऐसे। तो ये मैंने लूज रखा है, इसको टाइट नहीं किया है। और अब हम इसकी जो सिलाई करेंगे, तो देखिए यहां से मैंने स्टार्ट किया था, तो ये जो ऊन हमारा है ये ऐसे इसको इस तरह से पलट दीजिए, ये देखिए पलट देंगे और अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो सिलाई करते समय देखिए ये ऊन इधर है, जो फंदे हमने घटाए थे देखिए ये ऐसे, ये जो चोटी इस तरह से आई है और इधर का ये जो जो फंदे हमने घटाए हैं सेम वही फंदे हम लेंगे। यहाँ पे ये देखिए जो लास्ट फंदे आपने घटाए हैं वहां के बीच से देखिए ये नॉट बन जाता है, तो इसके बीच से हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे और हल्का सा टाइट एक बार यहाँ पे और कर देंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। और इसको बहुत ज्यादा यहाँ मत खींचेगा क्योंकि यही ऊन हमारा ऊपर से नीचे तक आया है, तो हम खींच देंगे तो यहाँ पे गला हमारा खींच जाएगा। अब ये जो हमने स्टार्टिंग में पिन लगाया था ये देखने के लिए कि स्टार्ट हमने कहाँ से किया है, और अब इसी तरीके से देखिए जो जो फंदे हमने घटाए हैं उस फंदे को ऐसे लेके और ये इसकी हम सिलाई कर देंगे। तो चारों तरफ पहले हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे, फिर स्लीव और बॉडी पार्ट अलग अलग करके उसके भी हम सिलाई कर देंगे। तो रैंगल बहुत ही इजी है बनाना, तो इस तरह से देखिए ये, और इस तरफ से ये देखिए आप जब सिल देंगी तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि इसमें सिलाई की गई है। ये देखिए बिल्कुल बराबर में ये आता जाएगा, तो सारी डिजाइन भी आपकी सेट हो जाएगी और ये पीस भी सारे सिल जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको सिल लेंगे, जो भी फंदे हमने ये घटाए हैं इसको पकड़ते हुए ऐसे, बीच में कहीं कोई दूसरा सिलाई नहीं, बस जो फंदे आपने घटाए हैं उसी को आप ऐसे पकड़िए और इस तरह से मिला के सिलते जाइए। बस आप ये देख लीजिए सीधी साइड से कि आपके फंदे जो घटे हैं वो दोनों साइड के एक बराबर ही आए। ये देखिए एक साइड का मैं आपको दिखा दे रही हूं, इसी तरह से हम बाकी तीन तरफ भी सिलाई कर देंगे। और इस ऊन को बहुत ज्यादा मत खींचिएगा, बस एक हल्का सा ये देखिए बस ये टाइट एक बेस बन जाए, और ये देखिए इस तरह से ये हम सिलते जा रहे हैं। मैं इसको बखिया नहीं कर रही हूं, किसी दूसरे पैटर्न से भी नहीं सिल रही हूं, बस इसी तरह से मैं सारी सिलाई करूंगी, चाहे नीचे स्लीव की सिलाई हो या बॉडी पार्ट की। तो ये इस तरह से बस जो जो फंदे हमने घटाए हैं इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों साइड का फंदा इस तरह से मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर बैठाते हुए ऐसे, और एकदम बराबर में आप रखिए बिल्कुल इस तरह से, दोनों हाथों के ऐसे उंगलियों के बीच में आप इसको दबा लीजिए ऐसे, और फिर इधर का ये अब आ गया। ये तीन तीन फंदा जो हमने घटाया था, ये पहला देखिए ये केबल जो बना रहता है ये, और ये इस तरह से ये हो गया। अब यहां पे एक हम ऐसे एक बार और करके नॉट लगा देंगे ऐसे। अब यहां पे आप चाहें तो ऊन कट कर दीजिए या आप चाहें तो यहां पे रखे रहिए, अगर बाद में आपको यहां से कहीं और सिलाई भी करनी हो तो वहां से ऊन आप इसको कट करके कर सकती हैं। तो मैं अभी इसको इसी तरह से छोड़ दे रही हूं, फिर हम दूसरी तरफ का भी। अब देखिए एक तरफ का हमने सिल लिया, हर तरफ ये ऊन बचे हुए हैं, तो इसी ऊन से मैं बाकी का ये देखिए ये साइड ये और ये एक दो तीन, एक साइड मैंने सिल दिया, इसी तरह से मैं सारी सिलाई कर दूंगी। ये देखिए सारे पार्ट मैंने सिल दिए हैं। अब आप देखिए ये ऊपर के ये चीज जो है ये एक बराबर है, तो अब हम ये देखिए ये हमारा बॉडी पार्ट है हमारे आमने सामने, तो यहां से इसको पकड़ के हम ऐसे करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से आपका आ गया स्वेटर। तो यहाँ ये पूरी ये स्लीव और ये बॉडी की सिलाई और ये इस तरफ से ऐसे, अब हम एक बार पूरा इस तरह से सिल देंगे। तो अब इसको उल्टा कर लेते हैं,
इस तरह से, और आप एक तरफ से सिलाई स्टार्ट करिए, चाहे नीचे बॉडी की तरफ से चाहे स्लीव की तरफ से। तो ये देखिए दोनों तरफ ऊन है जिसे हम फंदे डालते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से लेके और ये दूसरी बाजू तक, इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा स्वेटर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो इसको भी अब मैं सिल लेती हूँ। ये देखिए जिस तरीके से मैंने ये सिलाई की थी, इसी तरीके से मैंने ये भी सारी सिलाई, देखिए दोनों तरफ के उतारे हुए फंदे को ऐसे पिरोते हुए सिलाई करती है। तो अब देखिए ये हमारा बिल्कुल तैयार है, और ये बहुत ही सॉफ्ट और लूज है। अब इसमें आप चाहें तो आगे कोई छोटा सा पैच लगा दीजिए, और समझने के लिए कि क्या कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक, क्योंकि ये पूरा दोनों साइड एक जैसा ही है, तो आप चाहे तो कोई छोटा सा एक कार्टून कुछ भी यहाँ पे लगा सकती हैं, और नहीं तो आप इस तरह से आप बनाइए, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि किधर से फ्रंट रहेगा और किधर से बैक। तो ये देखिए इस तरह से पूरा तैयार है। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये छोटा सा स्वेटर, ये रेगनल स्वेटर पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। मिलूंगी मैं इसी तरह किसी नए जानकारी के संग, किसी नए डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।